आशीष है, मैं कॉटेलियन पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से बोल रहा था। मैं आज बताने वाला हूँ कि किस टाइप के लड़के से गर्ल्स ने शादी नहीं करनी चाहिए। तो जनरली गर्ल्स को कोई भी आदमी चाहिए होता तो सुपेरियर चाहिए होता, अपने से ज़्यादा अच्छा या अपने से हर चीज़ में आके, तो वही उसकी इज्जत करती, इज्जत करेगी तो ही वो उससे प्यार करेगी, नहीं तो प्यार भी नहीं करेगी वो। ठीक है, मैन इज्जत होना चाहिए, नहीं तो उसके नज़र में कभी इज्जत ही नहीं होगी तो शादी ज़्यादा टिकती नहीं है, तो ईगो के प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी आपको कैसे अंदाज लगाने का कि यार कौन लड़का अच्छा या नहीं लड़का, उससे तो आपका अंदाज रहता ही है, तो फिर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे जिस भी आदमी का अंगूठा बहुत ज़्यादा झुकता है, जैसे इतना तक झुक जाता है, जैसे आप देखेंगे कोई भी बॉय का अंगूठा इतना झुक जाता है तो थोड़ा तो चंपू रहता है। चंपू का मतलब वह सीधा साधा रहेगा, तो वो हर आपकी बात मानेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा झुका हुआ रहता है अंगूठा, आप देखेंगे तो बहुत ऐसे बैंट ही रहता है, ऐसे ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा बैंट रहता है, और बहुत ज़्यादा सीधा साधा रहेगा। आपने हाँ मिले तो हाँ बोलेगा, आपका ऐसे सुनेगा। तो गर्ल्स को कैसा चाहिए रहता है कि उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं रहेगी, तो गर्ल्स को ऐसा आदमी चाहिए रहता है रुबाबदार, कि आज उसको अपने गर्ल्स को भी डांटे, उसको कंट्रोल में रखे, वो भी अच्छा लगता है उनको बेसिकली, और तो वो उनको अच्छा लगेगा। जिसका भी अंगूठा बहुत ज़्यादा झुकता है तो उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसकी विल पावर भी अच्छी नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी बोले तो उसने कुछ डिसाइड किया तो कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसे ऐसे लड़के से शादी नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जैसे जो लड़का अपनी मम्मी मम्मी वगैरह से प्रेम नहीं करता है तो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन से जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा, जनरली जो अपने मम्मी वगैरह से ज़्यादा प्रेम करता है वो अपनी बीवी से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम करेगा। तो आप देखिए कभी वो अपना उसकी मम्मी से ऐसा जनरली तो होता नहीं है, बॉय लोग हमेशा अपने मम्मी को प्रेफर करती है, जो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम करता उसका सुनता तो वो आपका भी सुनेगा। तो ये देखिएगा कि कभी बच्चा मम्मी से प्रेम करता है कि नहीं। ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा है, जिसके राइट हैंड में आप देखेंगे तो ये राइट हैंड होता है, इसके लिटिल फिंगर के नीचे का देखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखा आएगी। इस बाजू में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसका एक रीज़न क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा लाइंस होगी तो उसके लफड़े बहुत ज़्यादा होंगे, अफेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसके लिए भी पसंद नहीं करते। तो उसका बहुत ज़्यादा लाइंस होगी तो उसके डिवोर्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, कि वो एक डिवोर्स उसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो वो शादी टूटने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा लाइंस होगी तो ज़्यादा नुकसान ही होता, तो ऐसा होता है कि टूटी फूटी लाइन हो तो भी नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी लाइन हो तो जितनी कम से कम लाइन हो उतना अच्छा होता, और लंबी लाइन हो उससे शादी करने का तो अपने शादी भी ज़्यादा टिक के रहती है, और लाइन उसमें क्रॉसेस नहीं होने चाहिए, तो उससे शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी टूटेगी तो आपकी भी हो सकता है, आप उसी लाइन में हो तो आपसे आपकी भी शादी करके टूट जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। डिवोर्स विवोर्स बहुत पंगे होते हैं, इसकी वजह एक ही शादी करने का अच्छे लंबे चला के रखने का ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी किसी के दूसरी शादी के चांस भी नहीं होते, तो वो एक एक शादी में बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है गर्ल्स का, तो दूसरी शादी करने में इतना खर्चा हो पाया नहीं हो पाए, फिर मेंटली भी आदमी को दूसरी शादी के लिए तैयार होने में टाइम लगता है, तब तक योग होगा कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। तो जिसकी राइट हैंड में ज़्यादा लाइन हो उसको भी शादी नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई स्टर्ट तो नहीं है, अभी अपने को देखना पड़ता कि कोई आदमी स्टर्ट तो नहीं है, चालू तो नहीं है आदमी, चालू आदमी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, स्टर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि स्टर्ट आज अपने को आज नहीं तो कल बदलता रहेगा आदमी, तो उसको भी देखने का कि यार स्टर्ट पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कुछ कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है कि वो स्टर्ट के देखे होते हैं, तो उनसे भी शादी नहीं करने का। कुंडली से मालूम चल जाता है कि आदमी स्टर्ट है या नहीं, या स्लट है कि नहीं, गर्ल्स का स्लट है कि नहीं मालूम चलता है, इसमें स्लट है कि नहीं मालूम चल जाता है, तो वो देख लेना किसी ज्योतिष से पूछ के देख लेने का कि स्टर्ट तो नहीं है, और बॉयज लोगों में भी देखने का कि स्लट तो नहीं है, तो वो होगा। अभी अंगूठे के पास में, ये अंगूठा है इसके पास में जो उभार देता है, या अंगूठे के पास में जो उभार देता है यहाँ पर इस बाजू में, यहाँ पर जालियाँ नहीं होनी चाहिए,
ऐसे जालियाँ वगैरह बनी हुई, क्रॉसेस, ऐसे ओरिजेंटल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ऐसे ऐसे बन के जालियाँ बनती है ना, स्क्वायर स्क्वायर्स बनते हैं ना, स्टेप्स स्क्वायर्स वगैरह बनते हैं। तो वो भी मैं हमारे पॉमिस्ट्री के हिसाब से वो अच्छा काउंट नहीं होता। तो वो शादी में भी आप देखेंगे तो उसको भी शादी, उससे भी शादी नहीं कीजिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्रॉसेस अंगूठे के पास का ये एरिया देखा आपको, तो इसके आसपास ज़्यादा क्रॉसेस नहीं होने चाहिए। तो पॉमिस्ट्री के हिसाब से वो अच्छा नहीं होता। तो उसमें भी आप देखिएगा कि इसका ये तो नहीं, ज़्यादा क्रॉसेस नहीं। अरे आदमी आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप कुछ भी बताएंगे उसको कि ऐसा नहीं ऐसा, तो उसको ईगो हर्ट होता है, आदमी का ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। तो ईगो हर्ट होता है तो फिर झगड़े बहुत ज़्यादा चालू हो जाते हैं। तो आपसे कम पढ़ा लिखा होगा तो आप उसको समझाने जाएंगे तो बोलेगा आपने पढ़ाई की होशियारी दिखा रही, ये दिखा रही। तो आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी इनकम भी सपोज को आप कमाते हैं तो आपकी इनकम उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, सामने वाले की इनकम आपसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ईगो का क्लेश नहीं होगा, नहीं तो आप कुछ सामान वगैरह लाएंगे तो बोलेगा यार अपनी होशियारी दिखा रही है, अपनी इनकम का रूप दिखा रही है, ज़्यादा क्लेशेस चालू हो जाते हैं। ईगो का क्लेश बहुत खतरनाक रहता है, ईगो और रिलेशन को खा जाता है। तो वो भी क्लेशेस वगैरह हो जाते हैं, फिर आप में भी थोड़ा है ना, और आप उसकी इज्जत नहीं देंगे, बोले आप तो उससे ज़्यादा होशियार है, तो फिर गर्ल्स वगैरह की ज़्यादा इज्जत नहीं देती। मैं पहले बताता हूँ कि इज्जत नहीं देंगे तो प्यार भी नहीं करेंगे, ये पहला बेसिक प्रिंसिपल है। आदमी उसी को प्यार कर सकता है जिसको इज्जत देता है, इज्जत नहीं देगा तो प्यार नहीं कर सकते हैं। तो उसकी इनकम भी आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अरे कम पैसे वाला भी नहीं होना चाहिए आदमी, आदमी बेसिक चीज़ आदमी के पास से दो चीज़ें होती है क्या, उसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए, घरदार तो भी होना चाहिए, घर इसके लिए होना चाहिए, खुद का घर भी होना चाहिए। ज़्यादा बेसिकली आप देखेंगे तो उसको प्रेफर कीजिए जिसका खुद का घर है, कि हाउस अभी फ्यूचर में तो घर लेना थोड़ा सा तकलीफ का ही काम है, ऐसा नहीं बता ले नहीं सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में तकलीफ का ही काम है। तो आप रेंट पे रहेंगे जिंदगी भर तो आधी पगार आपकी रेंट पे चली जाएगी, और हमेशा रेंट बढ़ता रहता है, हर साल इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो वो 10-20 साल के बाद तो आपकी सब पैसे को खा जाएगा ना, आपका आधे से ज़्यादा पैसा तो रेंट में चल जाता है। तो देखिएगा जिसका घर हो उससे आप शादी करेंगे तो आपके ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अभी जिसका परमानेंट जॉब नहीं हो सपोज को टेम्परेरी है, उससे भी शादी नहीं करने का, क्योंकि लाइफ में आदमी आदमी का मेन प्रिंसिपल क्या था, कमाना उसका मेन काम है। तो कमा ही नहीं पाएगा तो घर में स्टेबिलिटी नहीं होगी, झगड़े चालू हो जाते हैं, पैसे को लेकर झगड़े चालू हो जाते हैं, फिर रिसोर्सेस वगैरह कि ये नहीं वो नहीं है, तो फिर झगड़े बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिएगा उसकी जॉब वगैरह बहुत अच्छी है, उसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो फिर उसमें ज़्यादा टिकती है शादी, नहीं तो पैसे नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। घर चलाने के लिए पैसा बहुत कंपलसरी है, फिर बाल बच्चे, उनकी एजुकेशन है, उनका ट्यूशन फीस, पेट्रोल पानी है, दवा लगा हुआ है, ये सब बहुत ज़्यादा खर्चे इंक्रीज होते जाते हैं, महंगाई के साथ इंक्रीज होते हैं। तो उसकी परमानेंट जॉब हो या जॉब बहुत अच्छी हो, आपके एरिया के हिसाब से सोच सकते हैं 20-25 हज़ार, 50 हज़ार जो भी, फिर जॉब अच्छी होनी चाहिए, तो वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो आदमी आलसी नहीं होना चाहिए, कोई भी आदमी आलसी होगा तो आलसी आदमी के पास लक्ष्मी नहीं आती है। तो आप देखिएगा कि आदमी आलसी तो नहीं है, वो आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा। आलसी होगा तो वो अपने इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा, फ्यूचर में अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। तो जो भी आदमी आलसी है उससे भी शादी नहीं करने का, उसके बाद लक्ष्मी नहीं रहेगी कभी, क्योंकि वो आलसी रहेगा तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहेगा, खुद का कर नहीं पाएगा, माँ बाप नहीं रहेंगे तो क्या करेगा। तो ऐसे लोगों की बजाय आलसी लोगों से निकलने का। दूसरा स्वाभिमानी होना चाहिए आदमी, स्वाभिमानी मैंने आपको पहले बताया कि गर्ल्स को रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, वो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखेगा, स्वाभिमानी होगा तो वो आपका भी स्वाभिमान को बचा के रखेगा, अपने बच्चों को भी रखेगा। तो खुद के स्वाभिमान को, स्वाभिमानी नहीं होगा तो आपके क्या स्वाभिमान की रक्षा करेगा, है ना। रक्षा मिले तो आपके स्वाभिमान को केयर नहीं करेगा तो आपको ईगो हर्ट ना वही होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो आदमी स्वाभिमानी हो उससे भी नहीं करने का। तो इस टाइप से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको कुछ टिप्स बताई, आप इसको एनालिसिस करेंगे तो
तो आपकी शादी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। शादी में सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा तो अपने शादी डिटेन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।